गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस जे व्लॉग्स। कल रात में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, पूरी रात बारिश टप 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 आवाज़ आती रही। और कल वैसे भी मैं जल्दी सो गया था, आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, करीब 4:30 बजे। और अभी भी अगर आप मौसम देखोगे तो मौसम पूरा अभी खुला नहीं है। अगर आप देखो तो धौलाधार अभी नहीं दिख रहा है, धौलाधार से नीचे वाली जो पीक है त्रिउंड की वो दिख रही है। और ये जो हमारा बंक बेड है देखो इसके ऊपर क्या हुआ है, पूरा बारिश से एकदम अलग ही टेक्सचर बन गया है। अब एक और काम आ गया कि इस पूरे बंक बेड को पहले कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। वैसे बारिश आज भी शायद प्रेडिक्शन में है, आज भी हो सकती है बारिश। और चलो एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो हम खाना खाते हैं मोस्टली जितना भी चीज़ होता है वो सब यहीं से उपजाया हुआ होता है। ये जो आदर्श भाई काट रहे हैं ये सरसों हैं। आज यहाँ पर डॉलर का घर साफ़ हो रहा है। डॉलर आज तुम्हारी भी बारी है, तुम भी साफ हो गए आज, जो तुम भाग जाते हो ना बार बार। कल इसको बोला, अभी मैं बोलूँगा नहीं, अंग्रेजी में बोल देता हूँ, अंग्रेजी नहीं समझेगा। डॉलर विल टेक अ बाथ टुडे। कल इसको जैसे ही पता चला बोला ये भाग गया, रात में आया, शाम में आया, ये आया ही नहीं, पूरा दिन गायब रहा। कहाँ था पूरा दिन कल? इसको पता है कुछ गड़बड़ है। ये देखो आज तो नहाना पड़ेगा। जैसे बच्चे नहीं भागते हैं नहाने से, वैसे ये भागता है, इसीलिए इसको बांध के रखा जा रहा है। ऐसे तो पूरा टाइम खुला रहता है ये। आज डॉलर नहाएगा, जब इसका घर साफ हो रहा है तब तक वेट करो। ये अभी डॉलर के घर के फ्लोरिंग चल रही है, अभी इसके बाद इधर मैट बिछेगा। पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग नहीं है, डॉलर घर में वुडन फ्लोरिंग है। हाँ। और दो दो बेड है इसका, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर दिन में बैठता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ठंड में डॉलर के कमरे में ये पराली चली जाती है ताकि उसको सर्दी ना लगे। और अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो ये सब प्लास्टिक वगैरह पराली वगैरह सब हटाया जा रहा है। और उसका जो वो बेड है वो उधर साफ़ करके उधर लगा दिया जाएगा, और उसका जो वो बेड है उसको साफ़ करके उधर लगा दिया जाएगा। चलो नहाने, चलो अब नहाना है। ला रहा हूँ तेरा साबुन, मोटर ऑन कर रहा हूँ, सुन रहा है? आज क्या करना है ना कि आज ये जितने भी बंक बेड्स हैं इसको खोल के, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है उसमें डायरेक्ट दरवाजा इतना बड़ा नहीं है, इसका जो विड्थ है वो शायद करीब कितना, 36 इंच का है, तो इतना चौड़ा हमारा दरवाज़ा नहीं है, इसीलिए सारे बंक बेड को खोल के फिर इसको अंदर असेंबल किया जाएगा। ये अगर आप देखो तो हमने बनवाया भी इसको इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ही कस्टमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा ही प्लान बनाया, इंटरनेट से डिज़ाइन निकाले, फिर जाके इसको यहाँ पर हमने जो हमारे वेल्डर भाई साहब हैं, राम भाई हैं और भी भाई हैं, उन सब की हेल्प से यहाँ पर जाके इसको बनाया है। और आज विशाल भाई आए हैं बहुत दिनों के बाद। विशाल भाई क्या हाल? बढ़िया। क्या हो गया आवाज़ को? कुछ तो हुआ है लग रहा है, खराब है ना भाई। अच्छा अच्छा, अभी राम भाई आएंगे फिर उसके बाद ये पूरा काम इधर चालू होगा। और उधर डॉलर बैठा इंतजार कर रहा है कि यार नहलाना है तो जल्दी नहला के फ्री करो यार, धूप निकला हुआ। डॉलर आज नहाओगे तुम? और यार जब डॉलर भी आज नहा रहा है तो आज हम भी नहाएंगे, ऑल्टरनेट डे चल रहा है। और आज जाएंगे दाढ़ी बनवाने, 3 दिन से यही सोच रहा हूँ, आज पक्का जाके बनवाएंगे। ये देखो जा ही नहीं रहे। डॉलर चलो नहाने, चल। उधर नहीं, उधर उधर अंदर अंदर। चलो सर, यहाँ ये दरवाजा भी दिख नहीं रहा तेरे को? ये दरवाजा नहीं दिख रहा? ओह भाई बहुत हो गया। गरम पानी से नहा रहा है, वैसे टेंशन नहीं है। डॉलर
डॉलर का मुंह देखो कैसा हो गया। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ियां खत्म हुई। अभी इधर बेड भी खुलने लगा है तो फटाफट चलते हैं जिस कमरे में ये बेड लगाएंगे हम लोग, उस कमरे को खाली कर लेते हैं क्योंकि पहले वो रूम हुआ करता था ट्विन बेड के साथ, और अब ये बनने वाला है अपना हॉस्टल। तो उस रूम से बेड निकाल के हमने बेड को इस रूम में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि हम इस रूम को प्राइवेट रूम बनाना चाह रहे हैं, इस रूम को भी और इस वाले रूम को भी, इधर वाले रूम को भी। तो सारा सामान अभी इधर है, इस रूम का बेड निकाल के इधर कर दिया, इसको अभी अंदर डालेंगे। तो हमारा पहला बंक बेड इस रूम में आ गया है और अभी हम फिगर ये कर रहे हैं कि ये बेड इस लाइन में तीन बेड लगेंगे कि नहीं। जब हमने मेज़र किया था तब तो शायद आ रहा था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शायद नहीं आएगा। तो इसको ऐसा करेंगे, इस बेड को यहाँ लगाएंगे और उसके बाद एक बेड वहाँ और एक बेड इस साइड और बाकी शायद तीन इस साइड आ जाएंगे, देखते हैं कैसे आता है। अभी हम जा रहे हैं, कुछ पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, अभी सारा कैलकुलेशन चल रहा है। पहले हमने सोचा था बैक साइड वाले में तीन बंक बेड लगाएंगे लेकिन अब लग रहा है वहाँ चार लगाना पड़ेगा और इस वाले में पांच लगाना पड़ेगा। तो खाना खाने के बाद अब इस रूम में ये पूरा बंक बेड का सिस्टम लग रहा है। दो बंक बेड फिलहाल यहाँ पर आ गए, पहले हमने सोचा था तीन लगाएंगे लेकिन अब लग रहा है चार लगेगा यहाँ पर। और इस रूम की खासियत यह है कि इस रूम से पूरा फॉरेस्ट का व्यू दिखता है, ये देखो इस खिड़की से भी इधर से भी पूरा व्यू दिखता है इधर से, मस्त। टेस्टिंग चल रहा है भाई यहाँ पे कि जो बैठेगा उसको स्पेस कितना मिलेगा। अभी एक और यहाँ लगेगा, एक और यहाँ लगेगा। तो यहाँ भी एक्चुअली सीन ये है कि इसको एक्चुअली खोला जा रहा है और जो हमारा दरवाज़ा है हॉस्टल का या बंक बेड रूम का, वो दरवाज़ा थोड़ा छोटा है तो इसीलिए हमने इस तरह से इसको बनवाया था कि हम कहीं भी इसको खोल पाए और कहीं भी असेंबल कर पाए। तो यहाँ पे इसको पूरा खोला जा रहा है और हम सारे मिलके इसको खोल रहे हैं और वहाँ पर जाके इसको असेंबल कर रहे हैं। मेहनत का काम है भाई, वाह। तो हमारा यहाँ पे सारा बंक बेड, यहाँ पे हमने पहले सोचा था चार तीन लगाएंगे, अब चार लग गए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे लगाया हमने, एक इधर लगाया हमने और सबके बीच में स्पेस भी है फिलहाल। वैसे तो ये स्पेस ऐसे ही दिया हुआ है पर बंदा चाहे तो अपना लगेज भी यहाँ रख सकता है, इसके लिए हम यहाँ पे लॉकर भी रखेंगे लेकिन अगर एक्स्ट्रा लगेज है तो यहाँ रखा जा सकता है। अब बारी है और तीन बेड को खोल के उनको असेंबल करने का। चार बेड को खोलने हैं, एक तो लगा पड़ा है ना, अच्छा चार, हाँ पांच है उसमें। तो रूम वगैरह तो हमारा तैयार हो गया है, सारे बंक बेड रूम पे लगा दिए हैं लेकिन जो उसको इस प्रोसेस में जो हाथ गंदा हुआ है उसको साफ कर लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा रूम अब कैसा लग रहा है। एक पीछे वाला रूम तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया, ये वाला रूम भी जो फायर प्लेस वाला रूम है वो भी रेडी हो गया है, उसमें हमने पाँच बेड लगाए और पीछे वाले में हमने चार बेड लगाए। पहले हमने सोचा था इस पे हम छः लगाएंगे और पीछे चार तीन लगाएंगे, ठीक है बढ़िया लग रहा है। अभी बताता, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पहले ये छूट जाए और चाहिए मुझे, बोतल से निकाल लो। एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था कि सिर्फ उसी वाले जगह पे घसूँ ना जहाँ पे है, मैं हाँ। पूरे हाथ में घस रहा हूँ, जहाँ जहाँ पेंट लगा वहीं। तो देखो ये बेड, अब ये जो रूम है कुछ इस तरह का लग रहा है, अभी खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि इस पे बेड नहीं है, बस डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने ये मैट्रेस बिछाया है और यहाँ पे पांच बेड का ये बंक बेड, पांच सेट ऑफ बंक बेड का ये रूम बन गया है विथ फायर प्लेस। ठंड में कभी आप आओगे तो ये भी आपको मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा बैठने बैठने की जगह रहेगी और लॉकर भी अभी आने हैं, लॉकर आ जाएंगे क्योंकि आप अगर सामान लेकर आते हो अपना तो यहाँ पे लॉकर रख दूंगा मैं, सामान लॉक करके बिंदास घूमो। तो ये जो पूरा बंक बेड का काम किया है ये राम भाई ने और विशाल भाई ने मिलकर किया है
और ये राम भाई का भी पहला प्रोजेक्ट था कि कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बना रहे हैं। वैसे पहले हमने इस पे बहुत R&D किया कि कैसे कैसे इस पे बनाना है। आपको भी मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा कुछ। अब अच्छा है ना, कभी आपको कुछ नया ऐसा लगे कि हाँ किसी से रिक्वायरमेंट आए आपके पास। हाँ, ऐसे ही हमारे लिए भी नहीं थी हमने पहले सोचा था कि हम 3 बनाएंगे। हाँ। बनाते बनाते हमने 9 बना दिया। राम भाई थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत अच्छे से बनाए। विशाल भाई आपको भी थैंक यू सो मच। ये लाया है यहाँ पे पटाखा बजाने, देखते इस बारी बजा, 2 बारी पूरा फेल हुआ था। फट गया, कोई बात नहीं, करो और जोर से होएगा। हाँ देखते हैं। तुम तो ईगो पे ले लिया, दिल पे। तो यार अब रात हो गई है और अभी अभी हमने खाना खाया, खाने में था चिकन। और आज जो मैंने चिकन खाया है वो मुझे लगता है पता नहीं सदियों बाद खाया मैंने, इतना टेस्टी चिकन था। और हमने खाना खा लिया, अब बारी है डॉलर की। सो गया क्या ये? क्या हुआ डॉलर, मज़ा नहीं आया? डॉलर चक चक के खाता है एकदम, डॉलर ना इसका स्वाद ले लेके खाता है। इसका बेडरूम साफ हुआ है देखो। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। मिलते हैं गाइज बहुत जल्द धर्मशाला ड्रीमवुड्स के नेक्स्ट स्टोरीज के साथ। तब तक।